अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज जो है हम मीठे से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, तो ये रहा मीठा। और जिसने खाना है वो बिस्मिल्लाह करे और खा ले आके, फिर ना कहेगा कि किसी ने दी नहीं, हमने खाई नहीं। किस खुशी में है ये फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे चावल दम पे रखे हुए थे खाला रूपों ने, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि गांव में ना हम लोग इसी तरह की चूल्हियों पे जो है ना बनाते हैं खाना कभी कभी जब गर्मी ज़्यादा हो तो। और यहाँ पे जो हम चावल खा रहे थे, मैंने कहा दोपहर का खाना खा लेते हैं और उसके बाद जो है आपके साथ जो है ना जो मैंने एक बात शेयर करनी है अहम तरीन, वो भी फिर आपके साथ शेयर करते हैं। पहले खाना खा लेते हैं, बिस्मिल्लाह करके आप भी खाना खाएं मेरे साथ, क्योंकि चावल बहुत मज़े के बने हुए थे और मैंने कहा कि आपके साथ शेयर ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं हो सकता। तो मैं खा रही थी, अम्मी खा रही थी और फिर मैंने कहा कि फटाफट से जो है ना तीन होने वाले हैं, अब तीन हो चुके थे, तो मैंने कहा कि फटाफट से आपके साथ जो है ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, बाकी के साथ स्टार्ट कर देते हैं। और अभी जो है थोड़ी देर में आपके साथ जो है ना सीक्रेट भी शेयर करूँगी, जो मैं आपको कह रही थी कि आप देखिएगा आगे फटाफट से कर लेते हैं। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, इसके लिए आपको मेरे साथ रहना होगा, वरना आप वो चीज़ मिस कर देंगे तो फिर आप मुझे ना कहेगा कि मैंने आपको बताया नहीं था। और यहाँ पे कर लेते हैं लाइट्स ऑफ, क्योंकि जो है ना आजकल माशाल्लाह से जो है ना बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, इसलिए जितना हो सके ना बिजली बचाएं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं बाहर, पहले तो आप देखें माशाल्लाह कि यहाँ पे ना मेरा जो छोटा है मोटा सा गार्डन है ना, वो भी मतलब माशाल्लाह से फल फूल रहा है। और मैंने कहा कि मैं आपको ये भी साथ साथ दिखा देती हूँ, सही है। मोबाइल की ब्राइटनेस भी था इसका, लेकिन मुझे नज़र ही नहीं, मैं अंधों की तरह बात कर रही थी। और जब आप कमरे से बाहर आते हैं ना तो आप ब्राइटनेस तेज़ कर लिया करें, वरना आपको नज़र कुछ नहीं आएगा। वहाँ पे हमारी जो ना मोटरिनो खड़ी है, हैवी बाइक अम्मी की जानू की, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कपड़े हमने धो के लटकाए हैं, क्योंकि ना इस मौसम में जो है ना कपड़े धो लेने चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि कब बारिश हो जाए, इसलिए यहाँ पे एक हमने धोई है, कुछ जानू मानू के कपड़े धोए हैं, कुछ और कपड़े धोए हैं, सही है। और यहाँ पे जो है ना हमने क्या क्या लगाया हुआ है ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, क्योंकि इसकी अपडेट देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की रूटीन होती है घर में, हरा धनिया और ये वो, और बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह महंगा हो गया, इसलिए इसे काला कीड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों, पर ये ठीक हो जाएगा। इस काले कीड़े का ये होता है कि ना आपके पास अगर नहीं होती सा, मतलब जो आप सा से मुराद ये क्या उसे कहते हैं, चूली सी में होती है ना राख सी, आप उसके ऊपर ना धूल देना तो ये सारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हरा धनिया लग रहा है, वहाँ पालक लग रही है, यहाँ पे ना खाला कह रही हैं रूबो के नीचे नींबू है, ठीक है, और ऊपर खटाई है, ठीक है, ये रब की निशान है, आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पौधा है जो कि किसी ने कहा था कि ये सड़ गया है, ये नहीं लगेगा, पर ये लग गया है, आप देख लें तो ये भी लग गया है। दोनों पौधे किसी ने कहे थे कि ये सड़ चुके हैं, उतार देते हैं, तो मैंने कहा नहीं लगे रहे, पर ये हो गए हैं, ठीक हो गया। ये अमरूद का है और एक वो लगा है अनार, ठीक है, अभी एक और माशाल्लाह अनार लगा है। और ये एक है डाक, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, अब मुझे वो गोल गोश नहीं होती जो सूख के होती है, अंजीर, अंजीर का दरख्त है, ठीक हो गया। और अब चलते हैं वहाँ पे, वहाँ पे पानी फुल हो गया है टंकी में, अम्मी बंद कर दें मोटर। और वहाँ पे ये सिचुएशन है, वहाँ पे जो है ना मिर्ची लगी हैं और ये माशाल्लाह से ना फूल लगे हैं। और अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक, मेरा ये है कि आप सबको बहुत 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 ज़्यादा जो है ना नया साल मुबारक हो, और रमज़ान सॉरी कह गई हूँ, मुहर्रम का चांद नज़र आ गया है, तो इसका मतलब है हमारा नया साल भी चढ़ गया है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, तो आप सबके लिए यही दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और जो जो मुश्किल परेशानियाँ आप सबकी मुश्किल आसान हो जाए। और हम अंदर चलते हैं तो पहले कि धूप बहुत ज़्यादा खा जाए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, पहले धूप नहीं होती थी तो ठीक रहते थे, अब धूप है तो मसले ही मसले हैं, ठीक है। अब मैं चलती हूँ अंदर, सही है। और अंदर जाने के बाद हम गए बैठ, और अब मैंने आपको बताना था एक और बात, ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों को बीपी का मसला रहता है,
ठीक है, हर एक को रहता है, किसी को, मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि मुझे नहीं रहता, मेरा कभी कभी जो है लो हो जाता है, हाई नहीं होता, ठीक है, लो हो जाता है, और उसके लिए जो है ना ये वाला जो नहीं होता, ये वाला, ये बेस्ट रहता है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह, मतलब ये यूज़ आप कर सकते हैं। यूज़ करना ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने भी सीखा है। तो यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, ये खुल जाए, हो जाएगा। नीचे जो होता है लो होता है, ऊपर हाई होता है, और हार्ट रेट होती है, मतलब दिल की धड़कन आपको होती है, और उल्टे हाथ पे लगाना अच्छा होता है इसको, ठीक हो गया। इसके सेल होते हैं, इसके सेल बस आपको करने पड़ते हैं चेंज, और आप इस कंपनी का भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तकरीबन मुझे ये मिला था आई थिंक 5000 का, हाँ जी 5500 समथिंग इसका, पर 6000 तक कहते हैं, 5000 तक दे देते हैं, बार्गेनिंग करनी चाहिए तो ये आपको मिल जाता। तो इसी दुआ के साथ कि मैंने आपको कहना था कि ये जो है ना लाजमी आप लोग लिया करें, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना ये बहुत मुफीद होती है, हर घर में होना चाहिए। ये मैं नहीं कहते, ये लोग कहेंगे आपके, हाँ हम तो बीमार नहीं, हमें नहीं ज़रूरत, नहीं, ये कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप हर वक्त भाग तो नहीं सकते ना डॉक्टर के पास, हाँ जी हमारा बीपी चेक कर दें क्या, तो इसलिए यार अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, तो ये लाजमी होना चाहिए, ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि मैं आपको ज़रूर शेयर करूँ, कि जब मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, ये मैं हूँ हाय, तो ये जब मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये चीज़ भी शेयर करनी चाहिए। इसके यहाँ पे ना सेल वाला भी एक ऑप्शन होता है, ये रहा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना सेल होते हैं, यहाँ पे दो सेल डालते हैं, इनके सेल चेंज करने पड़ते हैं, और दैट से मैं तो इसको जो ना महीने या दो महीने बाद जो ना इसके लाजमी सेल चेंज कर देती हूँ, वरना ये लीक हो जाते हैं और ये ख़राब हो जाएगा इसलिए। और जब आप यूज़ करें उसके बाद आप इसको ना डब्बे में, मैं तो डब्बे में रखती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि ये सही सेफ रहे, और जब हमने कभी कहीं ट्रैवल पे जाना तो पर्स में डाल लिया और बस दैट्स इट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ना ये छोटू मोटू सा ना इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, उम्मीदों में याद रखिएगा, और जो है ना आप सबको बहुत ज़्यादा जो है ना नया साल मुबारक हो, मुझे दो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, खुदा हाफिज़।